गाइस मेरे लिए और आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लिटरली में सीधा मिस्टर प्रेसिडेंट की तरफ से ऑफर आया कि मैं उनका पर्सनल पायलट बनूंगा और उनको कहीं भी उनके प्राइवेट हेलीकॉप्टर में लेकर जाऊंगा। इसलिए मैं उसी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे भाई, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और महंगा हेलीकॉप्टर है। अरे 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 भाई, अरे बाप रे, ओ नो, अरे नहीं भाई, मुझे तो इस चॉपर को मेरे घर पर लैंड कराना था। क्रैश थोड़ी भाई, ये क्या हो गया? अरे कोई बचाओ प्लीज। ओ नो, ये क्या मुसीबत हो गई दोस्तों। यहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट का मैंने तो पूरा का पूरा चॉपर मतलब हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय कर डाला। और इतना ही नहीं गाइस, मेरा जो घर था भाई, जो मेरा इकलौता सहारा था, वो भी मैंने डिस्ट्रॉय कर लिया। ये क्या मजाक हो गया यार। मुझे पहले किसी प्रॉपर पायलट से ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी, उसी के बाद यहाँ पर ख़ुद को ट्रेन करना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। और ये पीछे धुआं कैसा आ रहा है भाई, मेरे घर की हालत ख़राब हो गई दोस्तों। अब तो पता नहीं क्या ही होगा मेरा। मैं मिस्टर प्रेसिडेंट को क्या जवाब दूंगा, उनका हेलीकॉप्टर को कैसे लौटाऊंगा, और साथ साथ में भाई साहब मेरे घर को रिपेयर कैसे कराऊंगा। सिंचन विंचन चौप भाई साहब, उनको तो भाई मौका मिल गया मुझे सुनाने का। हो सकता है मुझे घर से बाहर भी फेंक दें। पहले देखना पड़ेगा ये मेरे घर के बैकयार्ड में इतना धुआं क्यों निकल रहा है यार। अरे बाप रे, काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई है दोस्तों। फिलहाल मुझे सारी मैस को पहले साफ़ करना होगा, उसके बाद ही हम कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि आखिरकार जो गलती मैंने की है उसको सुधारा कैसे जाए। एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं वैक्यूम क्लीनर लाता हूँ और उससे सारी धूल को साफ़ कर लेता हूँ। एक मिनट, धूल अभी कहाँ? अरे बाप रे, ये क्या गाइस, यहाँ पर मेरे बैकयार्ड की कुछ ईंटें वीटें बाहर निकल गई हैं, आप देख पा रहे होंगे, और उसके अंदर एक डोर आया है निकल के। व्हाट, ये क्या मजाक है, ये डोर मेरे घर पर कर क्या रहा है यहाँ पर? और इतनी सारी ईंटें हट गई उसके बाद डोर। भाई ईंटों के हटने के बाद तो भाई साहब पूरी पूरी दीवार टूट जानी चाहिए थी, बट अंदर तो डोर ही निकल आया। गाइस कहीं ये कोई स्पेशल सीक्रेट डोर तो नहीं है जो शायद मेरे दिन बदल दे, बट उसके लिए इस डोर को खोलना पड़ेगा। आप लोग गाइस एक काम कीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब, जिससे कि यहाँ पर इस डोर को मैं खोल पाऊँ। और ऐसे डोर नहीं खुलेगा, मुझे शायद कुछ वेपन का इस्तेमाल करना होगा या ज़ोर दबस्ती इस डोर को तोड़ कर या किसी भी तरह से मरोड़ कर इसको खोलना पड़ेगा। अरे खुल जा भाई, खुल जा। नहीं गाइस देखो, यहाँ पर मेरी टांग टूटने को तैयार है, बट ये डोर खुलने का नाम ले रहा है। काम करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर ज़रा देख कर आता हूँ, कोई सामान वामान मुझे अगर मिल जाए इस डोर को खोलने का, तो उसके बाद हम इस डोर को खोलेंगे और पता भी करेंगे कि आखिरकार ये डोर यहाँ पर कब से था और भाई क्या कर रहा था और इसके अंदर क्या है। एक मिनट, मुझे किसी की आवाज़ आई। अरे वाह, मज़ा आ गया बल्ले बल्ले। एक मिनट, ये आवाज़ तो सिमिलर सी नहीं लग रही दोस्तों, ये तो सिंचन की आवाज़ लग रही है मुझे। कुछ तो गड़बड़ है गाइस, यहाँ पर और सुनकर देखते हैं। अरे मैं तो माला माल हो गया है, मैं तो जिंदगी बन गई। गाइस ये आवाज लिटरली में सीक्रेट डोर के अंदर से आ रही है। बट एक मिनट भाई, सीक्रेट डोर के अंदर सिंचन क्या कर रहा है? बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। ओ भाई, एक सांस से डोर खुला और उसके बाहर ये सन गॉड निकल आया। और एक मिनट, यहाँ पर ये एक और बॉक्स है। वाह, मैं यहाँ पर एक और गिफ्ट खोलूंगा, जल्दी इस वाले सूट से बाहर निकल जाता हूँ। ये क्या चल रहा है गाइस, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। आवाज़ सिंचन की है, बॉडी सन गॉड की, और साथ साथ में ये सब सीक्रेट डोर से बाहर निकल कर आए। ओ माय गॉड सिंचन, ओके अभी मैं समझा। सिंचन गाइस किसी तरह से सीक्रेट डोर में घुस गया था, उसके बाद ये वहाँ से बाहर निकला। और देखिए यहाँ पर ये साथ साथ में सन गॉड का सूट लाया और एक एलिमेंटल बॉक्स भी। पता नहीं एलिमेंटल बॉक्स क्या है, पक्का इसमें गोल्ड वोल्ड निकलेगा भाई, सिंचन तो हो जाएगा माला माल। चलो जल्दी से इस बॉक्स को फोड़ता हूँ इससे पहले कि फ्रेंकी भैया को पता चले। अरे वाह, मैं तो टाइटन सन गॉड बन गया। व्हाट, ये क्या मजाक है, सिंचन यहाँ पर टाइटन सन गॉड बन चुका है। गाइस आप देख पा रहे होंगे, बट ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई। गाइस अब तो मेरे को भी ये सीक्रेट डोर खोलना पड़ेगा। आखिरकार इस सीक्रेट डोर में ऐसा कैसा राज है जिस वजह से सिंचन पहले तो भाई छोटा वाला सनगॉड का सूट आया, उसके बाद इतना बड़ा टाइटन सनगॉड भी बन गया। वाह यार, ये तो कमाल की चीज़ है। हे ये क्या, अरे बापरी, यहाँ पर ये सिंचन इतना बड़ा सनगॉड कैसे बन गया है? मुझे लगता है उस सीक्रेट डोर में कुछ तो स्पेशल है, मैं भी जाऊँगा और फ्रेंकी भैया और चॉप को दिखाऊंगा कि मैं सिंचन से भी महान हूँ। हे इससे पहले दोस्तों फ्रेंकी भैया आ जाएं, मैं चाहता हूँ सीक्रेट डोर में। एक मिनट, ये पिंचन, पिंचन कहाँ जा रहा है तू? हेलो सुन तो पिंकी भैया, आप मुझे नहीं रुक सकते, मैं जा रहा हूँ इसके अंदर, और इसके अंदर जो भी चीज होगी मेरी होगी। आए हे हे, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अरे यार, अरे पिंचन सुन तो, साथ में चलते हैं ना भाई।
अकेला मत जा, उसमें कोई मुसीबत भी हो सकती है, ठीक है? मेरी बात सुन ले, काहे से इस पिंचन को रोकिए ना प्लीज, कमेंट में यस लिखिए ना। पिंचन सुन तो, ये क्या हो गया? अरे फिंकी भैया बचाइए, मुझे मार दिया। ओ नो भाई साहब, डोर बंद हो चुका है और यहाँ पर डोर के अंदर से भाई खून ही खून आ रहा है बाहर निकल गया। ओ माय गॉड, ये खून है कि ये ऐसी रंग है लाल, मुझे समझ नहीं आ रहा है दोस्तों। बट बेचारा पिंचन तड़प रहा है, दर से बोल रहा है फ्रैंकलिन भैया बचाइए, फ्रैंकलिन भैया बचाइए, फ्रैंकलिन भैया बचाइए। ओ नो पिंचन, मैं तुझे बचा लूंगा मेरे भाई, रुक जा। अरे यार मैंने बोला था गाइस इसको कहना ना जाए मेरे साथ जाए, अरे इससे बढ़िया तो जाते ही नहीं भाई, ये क्या मजाक है। गाइस मुझे जल्दी इस डोर को खोलूंगा, ये रे इतने सारे बॉम्ब लगाऊंगा इस डोर के, चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे भाई साहब, इस डोर को खोलना पड़ेगा। ये कॉल लगाया मैंने, कमॉन ये कॉल लगाया मैंने। ओके अरे बाप रे यार, इतना खतरनाक ब्लास्ट हुआ कि भाई मैं ही जाके गिर गया। आई होप डोर तो खुल ही गया होगा। बाकी आप लोग प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब, नहीं तो दोस्तों अगर डोर निकला ना तो पिंचन को मैं कभी मिल पाऊंगा और यार प्रेसिडेंट को क्या ही मुंह दिखाऊंगा। ऊपर से सिंचन तो भाई वैसे ही यहाँ पे अपना टाइटन सनगॉड बन गया, तो वो तो वैसे भी मेरी नहीं सुनेगा, मैं सब जानता हूँ। सिंचन बहुत बड़ा लालची है भाई, घमंडी भी है। ओके कोई नहीं, सिंचन घमंडी है तो हम भी यहाँ पे जिद्दी हैं गाइस, हम भी इस सीक्रेट डोर को खोल के रहेंगे और इसका राज पता करेंगे आखिरकार सीक्रेट डोर में ऐसा क्या है जिस वजह सिंचन वो क्या से क्या बन गया। लेकिन यार ये डोर तो खुलने का नाम ही ले रहा है, मैं तो यहाँ पर लिटरली मैं आरपीजी रॉकेट पर रॉकेट 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 चलाया जा रहा है। चल गया रे भाई साहब बचा, अरे भाई साहब नहीं गाइस, अब मेरे हिसाब से मुझे सीक्रेट डोर के पास और नहीं जाना चाहिए वरना मेरे को ये भस्म कर देगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर नहीं गया या इसके पास नहीं गया तो फिर मैं यार पिंचन को कैसे बचाऊंगा, ये कौन सी परेशानी में फंस गया मैं। गाइस आई थिंक मुझे सिंचन के पास जाना चाहिए, सिंचन को मेरी मदद करनी पड़ेगी। सिंचन सिंचन भाई सुन, कौन है आप? अच्छा सिंचन तू भूल भी गया? अरे मैं तेरा भाई फ्रैंकलिन हूँ, प्लीज़ अब नाटक मत कर यार, मेरी बात सुन, यहाँ पर मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा पड़ा हूँ, मुझे तेरी मदद चाहिए, पिंचन को तेरी मदद चाहिए। अच्छा क्या हो गया, जरा ऊपर आके बताओ, मुझे ठीक से आवाज़ नहीं आ रही है। अरे तो ऊपर लेगा तू, तभी तो ऊपर आऊंगा मैं। ये लो 1 2 और ये मेरी चुटकी और आगे आप सीधे ऊपर। अरे 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 भाई साहब कहाँ? ओके गाइस अभी मेरे को सिंचन ने ऊपर ले लिया है। सिंचन प्लीज यार, मैंने तो उससे बोला ना पिंचन उस सीक्रेट डोर के अंदर बंद हो गया है। अच्छा झूठ बोलने का कोई और तरीका नहीं है क्या? अरे मैं सच बोल रहा हूँ यार, सिंचन कहीं और है ही नहीं। गाइस प्लीज कमेंट में यस लिखिए ना, सिंचन को यकीन दिलाइए कि पिंचन सीक्रेट डोर में बंद हो गया, इसलिए भाई सिंचन बता दे यार उस सीक्रेट डोर को कैसे खोलते हैं। चलिए निकलिए यहाँ से, आपके मतलब को मैं सब समझ रहा हूँ, आप चाहते हैं मुझसे बड़ा बनना है ताकतवर, इसलिए मैं आपको सीक्रेट डोर में कभी घुसने नहीं दूंगा, ना ही कोई रास्ता बचाऊंगा। और भाई ये सिंचन तो बड़ा मतलब ही निकला यार, मैंने बोला था भाई सिंचन नहीं मानेगा भाई, और यहाँ पर पीट और रहा है से, अरे छोड़ दे। मन में ख्याल मत लाना कि आप उस सीक्रेट डोर को खोलेंगे, वरना आपकी ऐसी पिटाई होगी फ्रैंकलिन भैया। अरे बाप रे, फ्रैंकलिन भैया बोल के इज्जत भी दे रहा है और पीट के भाई साहब इज्जत भी मेरी बेइज्जत में बदल दे रहा है। कोई नहीं सिंचन, कोई नहीं, सबका दिन आता है मेरा भी आएगा, दोस्तों आप सब प्लीज बस मेरे साथ रहना। अरे भाई साहब आज का तो दिन ही बुरा है भाई, चंप लगा रहा हूँ तो खुद ही मुंह के बल्ब कटकी खा रहा हूँ। खैर दोस्तों यहाँ पर मुझे लोगों से मदद मांगी है, प्लीज दोस्तों मेरी मदद कर दो, मुझे यहाँ पर एक सीक्रेट डोर खोलना है, मेरा भाई पिंचन मुसीबत में है, प्लीज कोई तो मेरी मदद कर दो, यहाँ पर सिंचन तक ने मेरा साथ छोड़ दिया, प्लीज। अबे सामने सर फ्रैंकलिन वरना ठोक दूंगा। अरे फ्रैंकलिन कहाँ है तेरा भाई सिंचन, कहाँ है वो? अरे भैया फ्रैंकलिन कहाँ है वो? एक मिनट क्या हो गया गाइस? अच्छा तुझे ये तक नहीं पता क्या हो गया, तुमने पूरी फैमिली ने हमें बर्बाद कर दिया है। ओ सही कहा, फ्रैंकलिन तू यहाँ नहीं रह सकता, तुझे घर छोड़ के जाना होगा वरना हम लोग अवेंजर से शिकायत कर देंगे। लेकिन हुआ क्या यार, मुझे ये बताओगे क्या गलती कर दी मैंने? तुम दोनों भाइयों ने मिलकर हमें बर्बाद कर रखा है। अरे हमारा घर देख फ्रैंकलिन पूरी तरह से तबाह हो गया है। तबाह हो गया है मतलब क्या? ओ भाई साहब ये क्या मजाक है, ये मेरे पड़ोसी के घर में आग क्यों लगी पड़ी है? आप देख पा रहे होंगे गाइस, भाई साहब ये तो शर्मा जी का घर है पर पूरी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ पड़ा है। ओ भाई ये क्या मजाक है फ्रैंकलिन, अगर हमारा घर तूने एक दिन के अंदर रिपेयर नहीं करा तो हम लोग तुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। अरे ये क्या मजाक है भाई, मेरे पे क्यों जिम्मेदारी डाल रहे हो? ये सब सिंचन की वजह से हुआ है, वो इतना बड़ा टाइटन सनगॉड बन गया कि जहाँ पैर रख रहा है उस घर को तहस नहस कर दे रहा है। अब जाओ जाके मांगो भाई साहब तुम उसी से घर। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा,
चलो भाइयों इसको बर्बाद करते हैं। नहीं 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 मेरी बात सुनो गाइस, सुनो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं पक्का यार कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालूंगा। अच्छा तू मना कर रहा था अभी तो बड़ी जोर शोर से, और अब तू सोल्यूशन निकालेगा? भाइयों ये हमको गोली दे रहा है, इसको हम ही गोली दे के मार देते हैं, इसको मार देते हैं। अरे नहीं भाई ठीक है, अरे मैं सच बोल रहा हूँ भाई, तुम सबका हिसाब कर दूंगा। आज का दिन ही बहुत बुरा है भाई, इस सिंचन के चक्कर में मेरी बैंड बज रही है। अगर तूने हमें हमारे घर रिपेयर करके नहीं दिया फ्रैंकलिन आज के आज, तो तू तो गया। चलो ठीक है, अब फ्रैंकलिन को इनफ सजा मिल गई। अरे बाप रे, अरे भाई शरीर में थोड़ी बहुत जान ही छोड़ी उन्होंने, ऐसा पीटा है मुझे। बट कोई नहीं गाइस, मैं यहाँ पर अकेला हूँ तो क्या हुआ, आप सब तो है ना मेरे साथ, तो इसलिए दोस्तों मैं कभी अकेला नहीं हूँ, राइट। तो चलो जल्दी चलते हैं और जाकर भाई सीक्रेट डोर का कोई तो तरीका होगा, जब सिंचन इस सीक्रेट डोर को खोल सकता है तो मेरे लिए तो मामूली सी बात है, कोई तो ऐसा कोडवर्ड होगा जो मुझसे छुप रहा है। यहाँ पर ईंटें वीटें पड़ी हैं, इनको हटा कर देखूँ क्या, या फिर कुछ तो चीज़। एक मिनट, हेलो यही क्या चीज़ दिखी मुझे भाई साहब, एक पेपर। पक्का गाइस ये पेपर सिंचन ने इधर फेंक दिया होगा, जिससे कि भाई साहब मैं इसको ढूंढ ना पाऊँ। बट यहाँ पर क्या लिख रहा है, टास्क टू ओपन सीक्रेट डोर। पहला टास्क है डिस्ट्रॉय अवेंजर्स ऑल फादर लावा गॉड हाउस, सब्सक्राइब एंड कमेंट। गाइस ये क्या मजाक है, उसमें लिख रहा है भाई कि अगर इस डोर को ओपन करना है तो कोई टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, और टास्क ये कि अवेंजर्स का कोई ऑल फादर लावा गॉड हाउस का सूट मतलब घर है लावा गॉड, ऑल फादर लावा गॉड वाला। बट अवेंजर्स के पास लावा गॉड का हाउस, अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, न्यूज़ चेक करते हैं। अरे बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज़ अभी अभी पता चला है, यहाँ पर अवेंजर्स ने ऑल फादर गॉड को अपना पार्टनर बना लिया है, जो कि ऑल फादर लावा गॉड है, और अब अवेंजर्स ऑल फादर लावा गॉड के घर पर रह रहे हैं, जो कि उनके मजे ही मजे हैं। अच्छा तो ये बात है, अवेंजर्स ने पार्टनरशिप कर ली ऑल फादर लावा गॉड के साथ, जिस वजह से गाइस अब अवेंजर्स ऑल फादर लावा गॉड के घर पर रहने लगे हैं, और उसी घर को हमें डिस्ट्रॉय करना होगा। अब मुझे समझ आ गया, बाकी एक और टास्क था गाइस नीचे, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अभी तक वीडियो लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड कमेंट में कुछ भी कमेंट कर सकते हैं आप, अपना प्यारा नाम लिख सकते हैं या फिर आप ओपी लिख सकते हैं, कुछ भी जो आपकी मर्जी हो प्लीज़ आप लिख सकते हैं, बस कमेंट जरूर कर देना, उससे ना एक तरह का टास्क हो जाएगा मेरा, राइट। तो चलो गाइस हम चलते हैं जल्दी से और जाकर भाई साहब मिलते हैं अवेंजर्स से। कम ऑन, चलो 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 चलो। देखिए गाइस यहाँ पर सामने आप देख पा रहे होंगे, वो रहा टाइटन ऑल फादर लावा गॉड, इसका मतलब ये वहीं खड़ा होगा जहाँ पर इसका घर होगा। ओके दोस्तों भाई ये ऑल फादर लावा गॉड है, दैट्स मीन्स इसका घर तो काफ़ी बड़ा होगा, और इसके घर को डिस्ट्रॉय करना कोई बच्चों का खेल नहीं होगा दोस्तों, इसलिए पहले हमें पूरी तरह से यहाँ पर जांच पड़ताल करनी होगी कि किस तरीके से हम यहाँ पर बिना ऑल फादर लावा गॉड को हार्म किए, और इसके घर को मतलब घर तो हार्म करना ही पड़ेगा, मतलब अवेंजर्स को हार्म किए हम इसका घर डिस्ट्रॉय कर पाएँ। बहुत बढ़िया अवेंजर्स, तुमने यहाँ पर बहुत ही सही तरीके से मेरे घर को संभाला हुआ है, मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा हूँ इस वजह से अपने घर का ख्याल नहीं रख सकता था। अरे बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए ऑल फादर लावा गॉड, अब तो हमारी पार्टनरशिप हो गई है, अब हम इसी घर रहा करेंगे। बिल्कुल सही कहा, अब तो मजे ही मजे। अरे यार यहाँ पर तो पांचों अवेंजर्स भी तैनात हैं, अब तो गाइस घर को ब्लास्ट करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बट गाइस कोई बात नहीं है, यहाँ पर अगर मैं किसी भी तरह से इस ऑल फादर लावा गॉड को इसी घर पे गिरा दूँ, व्हाट इफ, सोचो इतना बड़ा है ये, तो घर डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो भी पूरी तरीके से। आइडिया बुरा नहीं है गाइस, हाँ अगर ऑल फादर गॉड को मतलब लावा गॉड को उसी घर पे गिरा दें तो उसका पूरा घर डिस्ट्रॉय हो सकता है। चलो गाइस यहाँ पर यही इसी तरह की कुछ टेक्निक हम अपने जमाते हैं, उसके बाद ही देखते हैं क्या होने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ से निकलते हैं, और बाप रे कम ऑन, चलो चलो चलो। ऑलराइट दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ ऑल फादर लावा गॉड के घर के अंदर, आप देख ही पा रहे होंगे, और यहाँ पर लावा गॉड भाई अपने पूरे घर के चारों तरफ फैला पड़ा है, जैसे कि ये ऑल फादर गॉड का पूरा हेड है। और यहाँ पर दोस्तों अब मुझे किसी भी तरीके से ऑल फादर गॉड को यहाँ पर एक मिनट, वो क्या चीज़ है वहाँ पर, दोस्तों मेरे पास एक कमाल का आइडिया है भाई, सामने आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पर एक प्राइवेट जेट भी है। सोचो अगर ये प्राइवेट जेट मैंने लावा गॉड में मतलब ऑल फादर लावा गॉड में एक तरह से मतलब सीधा जाके पूरी तरह से एक्सीडेंट कर दिया, इसको क्रैश कर दिया, तो लावा गॉड अपना संतुलन बिगाड़ देगा, उस वजह से लावा गॉड बहुत खतरनाक तरीके से गिरेगा सीधा भाई अवेंजर्स के ऊपर, पर बेचारे अवेंजर्स मर मरा ना जाए भाई, मुझे उनकी थोड़ी बहुत चिंता हो रही है। तो गाइस उससे होगा क्या कि यहाँ पर ऑल फादर लावा गॉड के डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसका घर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए हम सीधा ऑल फादर लावा गॉड के, ये मारा मेरा घर तो डिस्ट्रॉय करेगा, मैं अपने घर को बचा लूंगा। ये क्या मजाक है भाई, मैं तो यहाँ पर ऑल फादर गॉड को गिराने वाला था, पर ऑल फादर गॉड तो खुद ही नीचे आ गया, जिससे कि यहाँ पर
उसका घर डिस्ट्रॉय ना हो भाई साहब, मतलब ऑल फादर लावा गॉड अपने जान खतरे में डालकर अपने घर को बचाना चाहता है, ये क्या मजाक है। अबे फ्रैंकलिन, तू यहाँ पर हमारे ऑल फादर लावा गॉड का घर डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था। अब इस फ्रैंकलिन को हम फोड़ेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अरे नहीं टोनी, वो तो मैं मिस्टर प्रेसिडेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहा था भाई, क्योंकि तुझे पता तो है ना मैं उनके यहाँ जल्दी ज्वाइन करने वाला हूँ जॉब। अच्छा तो चल हम तुझे प्रैक्टिस कराते हैं। उड़ी कसम ऐसी बैंड बजाएंगे, ये ले मार टोनी इसको मार, ये निकल जाए यहाँ से बेवकूफ आदमी, कहीं का बड़ा आया यहाँ पर हमारी और ऑल फादर लावा गॉड की दोस्ती को दुश्मनी में बदलने वाला। ऐसा नहीं है यार टोनी, छोड़ दे मेरे को भाई। अरे क्या पीटा मेरे को, बता तू यहाँ पर ये घर डिस्ट्रॉय करने क्यों आया था? वो तो मैं नहीं बता सकता, अगर गाइस मैंने इनको बता दिया कि मैं यहाँ पर सीक्रेट डोर खोलने के लिए टास्क करने आया हूँ, तो भाई पक्का मुझे पता है वो टास्क फेल हो जाएगा, इसलिए मैं इनको ये बात नहीं बता सकता। इसलिए हमें यहाँ पर कोई और तरीके से यहाँ पर इस घर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, बट मैं हार नहीं मानूंगा, इस घर को तो मैं डिस्ट्रॉय करके रहूँगा, आज नहीं तो एक घंटे बाद, लेकिन अभी के अभी मुझे इस घर को डिस्ट्रॉय करना ही है, क्योंकि यहाँ पर बेचारा पिंचैन भी पूरी तरह से परेशानी में, और भाई साहब मैं ऑलरेडी यहाँ पर परेशान हूँ। गाइस मेरे पास एक और कमाल का आइडिया है, क्यों ना यहाँ पर टोनी ने जो आइडिया मुझे दिया था वो कह रहा था ना कि मैं ऑल फादर लावा गॉड और अवेंजर्स के बीच में दुश्मनी करवाना चाहता हूँ, तो सच में दुश्मनी करा दूँ। अरे हम कब तक यहाँ पर इस ऑल फादर लावा गॉड के साथ गुलामी करते रहेंगे? अरे गुलामी क्या करनी है, ये तो भोंदू है ऑल फादर लावा गॉड, हम यहाँ पर ऑल फादर लावा गॉड को किसी तरह से किसी मुसीबत में फंसा देंगे और भाई इसका घर हमारे कब्जे में होगा। गाइस देखिए यहाँ पर ये जितनी बातें ऑल फादर लावा गॉड के खिलाफ कर रहे हैं, मैं इस सब बातों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये सब बात मैं सुनाऊंगा सीधा जाकर ऑल फादर लावा गॉड को। ऑल राइट गाइस, हमने रिकॉर्डिंग कर ली है, अब चलते हैं सीधा ऑल फादर लावा गॉड के पास। ऑल फादर लावा गॉड, ओ भाई हेलो, मुझे तो इससे कुछ बात करनी है। मौत उज्जैसे बस दिलों से बात नहीं करता, निकल जाओ यहाँ से। अरे मेरे पास प्रूफ है अवेंजर्स के खिलाफ तेरे लिए, क्या मजाक है। अवेंजर्स यहाँ पर भाई वो बोलते हैं कि तू उनसे गुलामी करवा रहा है, इसलिए वो तुझे किसी न किसी जंग पे या किसी खतरनाक वॉर में भेज देंगे और तेरे घर पे कब्जा कर लेंगे, मुझे यकीन नहीं है। ले सुन ले, अरे एक बार यहाँ पर इस ऑल फादर लावा गॉड को हम किसी फालतू की वॉर में भेज देंगे और वहाँ पर ये फंस जाएगा बेचारा और इसका घर हमारे कब्जे में होगा, मजे ही मजे। अच्छा अवेंजर्स, मैंने अपने दिल का टुकड़ा, मेरा घर जिसमें मैंने तुम्हें रहने दिया, तुम उसी घर को मुझसे दूर करने की कोशिश करते हो, मुझे मेरे घर से ज्यादा कुछ चीज कीमती नहीं है, मेरी जान भी नहीं और तुम भी नहीं, ये ला उही कसम, ये क्या मजाक है, सब कुछ तबाह कर दूंगा, ये ला उही यार, ये क्या कर रहा है ओए ऑल फादर लावा गॉड, ऐसा करके तू खुद का घर डिस्ट्रॉय कर लेगा। अबे क्या मजाक कर रहा है भाई तू, ओ हेलो ऑल फादर लावा गॉड, अच्छा तुझे अपना ये घर कुछ ज्यादा ही प्यारा है ना, तो तेरा घर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, तुम मेरा घर डिस्ट्रॉय करोगे ना तुम्हें ही बर्बाद कर दूंगा, निकल जाओ मेरा घर से। हम तेरे घर से तो भाई अब नहीं निकलेंगे, लेकिन तुझे जरूर पीट के रहेंगे। जॉर्विस जरा मेरा आयरन मैन का सूट लाना, ये ऑल फादर लावा गॉड की हिम्मत कैसे हुई हम पे अटैक करने की। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर अवेंजर्स में और साथ साथ में भाई साहब ऑल फादर लावा गॉड में खतरनाक युद्ध होने वाला है, जिसके चक्कर में ये लोग लड़ते लड़ते जिस घर के लिए लड़ रहे हैं उसी घर को डिस्ट्रॉय कर डालेंगे और अपना टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। टोनी निकल जाओ मेरे घर से, मेरे घर कोई कांच भी आनी चाहिए। अरे अब तो तेरे घर को नहीं, तुझे भी यहाँ चाहिएगी लावा गॉड, अब मैं तुझे पूरी तरह से बस कर डालूंगा, ये ले। अरे इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, ये ले जॉर्विस, मुझे 100% पावर चाहिए, मैं यहाँ पर इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसके इस बकवास घर को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ले मैं तुझे मार दूंगा, निकल जा मेरे घर से। तेरे घर से निकलेंगे नहीं जब तक इसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। नहीं मेरा घर डिस्ट्रॉय मत करो। ओ भाई देखिए यहाँ पर अवेंजर्स और लावागढ़ एक दूसरे से लड़ रहे हैं, गुस्से में भाई लावागढ़ ने क्या खतरनाक एक्सप्लोजन किया, जिस चक्कर में मुझे जहाँ तक लगता है ऑल फादर लावागढ़ ने अपना घर बचाने के चक्कर में अपना घर ही डिस्ट्रॉय कर डाला। जरा देखते हैं। ऑल राइट गाइस, देखिए यहाँ पर जो ऑल फादर लावा गॉड ने अवेंजर्स को घर दिया था प्रोटेक्शन के लिए, इस चीज़ के लिए भाई साथ में मिलके भाई रहेंगे, पार्टनरशिप रहेंगे, अभी यहाँ पर इनका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और भाई लावा गॉड का तो मतलब तेरी टूट गया होगा, पर क्या करें गाइस, यहाँ पर ये करना जरूरी था क्योंकि यहाँ पर मुझे अपनी फैमिली मतलब पिंचैन को भी तो बचाना था। बट अच्छी बात यह है कि हमारा टास्क फाइनली कंप्लीट हो चुका है, अब चलो जल्दी चलते हैं और सीधा जाके भाई उस सीक्रेट डोर को खोलते हैं। एक बार वो सीक्रेट डोर खुल जाए तो मैं पिंचैन को भी बचा लूँगा और ये भी पता कर लूँगा कि आखिर सिंचैन के इतना खतरनाक एलिमेंटल बॉक्स कहाँ से मिला, जिस वजह से आज वो टाइटन सन गॉड बन चुका है और भाई वो जहाँ जहाँ जाता है भाई तबाही ले आता है, इसलिए हम सिंचैन के आतंक को भी रोक के रहेंगे अपनी अच्छाई से। तो गाइज हम फाइनली अपने घर पर आ चुके हैं, हट जाओ भाई सबके सब हट जाओ, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, जल्दी चलते हैं यहाँ पर गाइज। वैसे भी यहाँ पर पिंचैन पता नहीं किस हालत में होगा, मुझे तो ये तक नहीं पता। चलो गाइज गाड़ी को मैं यहीं खड़ी कर देता हूँ और सीधा चलता हूँ अपने घर के बैकयार्ड में, क्योंकि वो जो सीक्रेट डोर है मेरे घर के बैकयार्ड में ही है। ऑलराइट मैं यहाँ पर आ चुका हूँ,
आई होप वो डोर खुल चुका हो। कम ऑन, अरे ये क्या मजाक है। हेलो, डोर तो नहीं खुला, बट टास्क तो मैंने कंप्लीट कर दिया था। मतलब हालांकि मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था ऑल फादर लावा गॉड का हाउस अवेंजर्स वाला, बट भाई घर तो डिस्ट्रॉय हुआ था ना गाइज। ये क्या मजाक है, ये तो हमारे साथ चीटिंग हुई। गाइज आपने कमेंट नहीं किया क्या अभी तक? प्लीज़ कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी लिख दो, या फिर अपना नाम लिख दो प्यारा सा, या फिर यस लिख दो, जिससे कि यार हमारा टास्क कंप्लीट हो जाए। नहीं गाइज ये नहीं खुल रहा डोर। वो पर्चा कहाँ है? अरे वो पर्चा, आई थिंक गाइज कुछ मिस किया है हमने पक्का, जहाँ तक मुझे लगता है। एक मिनट गाइज, ये रहा वो पर्चा, पता नहीं शायद दौड़ के इधर आ गया होगा। मैं जरा इसको पढ़कर देखता हूँ। आप लोग प्लीज़ यहाँ पर कहीं मत जाना, हमें साथ में मिलकर यहाँ पे अपने पिंजन को बचाना है। इस पर लिख रहा है सर्वाइव 20 मिनट्स इन गॉडफादर टाइटन माउथ। व्हाट भाई गॉडफादर टाइटन, आप सब जानते हो कि नहीं जानते तो बता देता हूँ, जो कि लावा गॉड एंड आइस गॉड का फादर है भाई। वो तो भाई लावा एंड आइस दोनों से बना हुआ है, और भाई मुझे पूरे 20 मिनट तक गॉडफादर टाइटन के मुंह के अंदर रहकर सर्वाइव करना होगा। भाई साहब ये बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क है गाइज, बट कोई नहीं, यहाँ पर अगर बात टास्क की आ रही है तो हमें करना तो पड़ेगा, वरना गाइज मतलब मेरा भाई पिंचन नहीं बच पाएगा, ना ही वो सीक्रेट डोर कभी खुल पाएगा, और हम ना ही पता कर पाएंगे कि आखिरकार ये सिंचन को ऐसी ताकत कहाँ से मिली। और साथ साथ में भाई मिस्टर प्रेसिडेंट से अगर मुझे बचना है, मेरे पड़ोसियों से बचना है, तो अब वो इकलौता सीक्रेट डोर ही हमें बचा सकता है। अभी देखिए गाइज, मैं सीधा आ चुका हूँ गॉडफादर टाइटन के पास, और गॉडफादर टाइटन यहाँ काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं। मेरे दोनों बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मुझे कुछ करना होगा। ओ भाई गॉडफादर टाइटन तो ऑलरेडी अपने बच्चों से परेशान है। गॉडफादर टाइटन जी, मुझे आपसे बात करनी है। चला जा यहाँ से फ्रैंकलिन, मेरा मूड अभी किसी से बात करने के मन में बिल्कुल नहीं है। मेरा मन कर रहा है दुनिया तबाह कर दूँ, सबको खत्म कर दो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं गॉडफादर टाइटन जी, मैं आपके लिए बढ़िया सी डील लेकर आया हूँ। आप अपने बच्चों से परेशान है ना, तो मैं आपके बच्चों को संभालूंगा। क्या मतलब तेरा? एक बार बस आप मुझे यहाँ पर अपने मुंह के अंदर 20 मिनट तक सर्वाइव करने दीजिए। क्या मजाक है, तू कोई कीड़ा है जो मेरे मुंह के अंदर सर्वाइव करेगा? अरे यार प्लीज करने दो ना। अच्छा, मेरे मुंह के अंदर आएगा तो भस्म हो जाएगा, जल जाएगा, बहुत गर्मी है मेरे मुंह के अंदर। वो मैं जानता हूँ, बट ठीक है, मेरे सुसाइड तैयार हूँ, बट अगर आप ऐसा करने देंगे तो मैं आपके बच्चों को लिटरली मैं कंट्रोल करके लाऊंगा, और आपके आप जो कहोगे वो करेंगे वो। ऑलराइट, मैं आ चुका हूँ गाइस गॉडफादर टाइटन के मुंह के अंदर। जैसा कि मैंने कहा था, इनका आधा मुंह ठंडा है आधा गर्म है, और मैं कहाँ रहूँ? गर्म है, जल गया रे बाबा। अरे भाई मेरे को यहाँ पे 20 मिनट सर्वाइव करना है, 20 सेकंड में यहाँ पे आग लग गई मेरी बॉडी में। हाँ बच्चे, मैंने तो कहा था भस्म हो जाएगा, तो चला बेबी चांस से निकल जाए। नहीं, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो 20 मिनट सर्वाइव करके ही जाऊँगा, नहीं तो भाई मर जाऊँगा। लेकिन मैं यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला, वैसे भी बाहर की दुनिया मेरे लिए अच्छी नहीं है, सब लोग यहाँ पर मेरे को मारने पीटने में लगे पड़े हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट से लेकर भाई पड़ोसी तक, और सिंचन तक मेरी इज्जत नहीं करता। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर सर्वाइव करेंगे, भाग फ्रैंकलिन भाग। ओके दोस्तों, यहाँ पर बस 20 मिनट का सवाल है। ओके गाइस, फाइनली यहाँ पर थोड़ी गर्मी कम हुई और मैं अच्छी तरह से यहाँ पर अब सर्वाइव कर पा रहा हूँ। ऑलराइट दोस्तों, एक मिनट, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये एक साथ से यहाँ पर, अरे बाप रे कौन आ रहा है ये? ओ गॉडफादर टाइटन, उस फ्रैंकलिन को मेरे हवाले कर दे, मैं सब जान गया हूँ। वो फ्रैंकलिन यहाँ पर उस सीक्रेट डोर को खोलने के लिए ये सब टास्क कर रहा है। फ्रैंकलिन, वो टास्क मैं तुझे करने नहीं दूंगा, तूने यहाँ पर हमारी ऑल फादर लावा गॉड से दोस्ती टूटवा दी। गॉडफादर टाइटन हट जाए यहाँ से। नहीं, फ्रैंकलिन के साथ मेरा सौदा हुआ है, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। अबे टोनी, ये सब तुझे कैसे पता चल गया? मैं तेरे घर गया था, मैंने पर्चा पढ़ लिया फ्रैंकलिन, और मुझे पता है सीक्रेट डोर में कुछ तो स्पेशल है। चल बड़ा बेटा, यहाँ पर क्या स्पेशल है जिस वजह से तू अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस गॉडफादर टाइटन के जल जलाते खतरनाक लावा जैसे मुंह में घुस गया है? अरे भाई तू मारेगा मेरे को तो मैं बताऊंगा कहाँ से। इस टोनी का तो कुछ करना पड़ेगा मेरे को, मुझे अगर गन मिल जाए। अच्छा बच्चे, तो ये गन चाहिए तो ले ले। ऑलराइट गाइस, गॉडफादर टाइटन ने हमें गन दे दी, जिस चक्कर में हमने यहाँ पर टोनी स्टार्क की अच्छाई बना दी। फ्रैंकलिन तो यार छोड़ूंगा नहीं मैं, भाई गन तो स्पेशल है यार, टोनी का बुलेट प्रूफ सूट भी यहाँ पर उस गन को झेल नहीं पाया। और फाइनली गाइस, मैंने यहाँ पर पूरी तरह से ऑलमोस्ट 20 मिनट कंप्लीट अपने कर ही लिए हैं। अब बस कुछ देर और उसके बाद हम सीधा गॉडफादर टाइटन के मुंह से निकल के भाई अपने सीक्रेट डोर की तरफ जाएंगे। फ्रैंकलिन इतनी आसानी से नहीं। एक मिनट, ये क्या? ओ नो, मैं तो ब्लॉक हो गया गॉडफादर टाइटन के मुंह के अंदर। ये क्या मजाक है गॉडफादर टाइटन जी, आपने मेरे को अपने मुंह के अंदर बंद क्यों कर दिया? बच्चे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यहाँ पर लावा गॉड जो कि मेरा ही बच्चा आ चुका है, वो यहाँ पर मुझसे लड़ाई करने आया है। पिताजी आपने मेरे साथ धोखा किया है, फ्रैंकलिन मेरा दुश्मन है, उसने मेरा घर तबाह कराया है और अवेंजर्स के साथ मेरी लड़ाई कराई है, इसलिए फ्रैंकलिन को मेरे हवाले कर दो। नहीं, फ्रैंकलिन मेरा साथी है,
मैं उसको तेरे हवाले नहीं करूंगा। तो ये लो, आप भी मरोगे उस फ्रैंकली के साथ। ओ भाई साहब, ये क्या मजाक है गाइस। लावा गॉड तो भाई गॉडफादर टाइटन को ही मारने की बातें कर रहा है। गॉडफादर नहीं, आप भी कुछ कीजिए ना। तूने मेरे को हाथ उठाया, मैं तुझे सोलो मानी। ये ले लावा गॉड, अब तू पिटेगा अपना। अरे पिताजी, मैं आखिरकार तेरा बाप हूँ, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये ले, तेरे गुनाहों की सजा तुझे मैं कर रहेगी। लेट्स गो भाई। गॉडफादर टाइटन ने आखिरकार बता ही दिया कि भाई वो भी फादर है भाई, यहाँ पर उनका बेटा उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेट्स गो फ्रैंकलिन, यहाँ पर मैं तो निकल के चला जाऊंगा, लेकिन तू हमेशा के लिए बंद रह जाएगा। टोनी के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुको गाइस, अभी यहाँ पे गन उठा के लाता हूँ और इसकी मैं बैंड बजाता हूँ। वैसे मेरे 20 मिनट हो चुके हैं, मुझे यहाँ से निकलना ही है। अरे बाप रे, गॉडफादर टाइटन, अरे भाई इसको हटा पत्थर को, मुझे बाहर जाना है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तुमको अंदर से ये तोड़ना पड़ेगा। अरे कैसे तोड़ूं, मेरा तो सूट भी यहाँ पे गर्म होने लगा है। नहीं, मेरे मुंह में लगे पत्थरों को हटाओ, मेरा दम घुट रहा है, जल्दी करो वरना मैं भी यहाँ पर मर जाऊंगा। ओ भाई ये क्या मजाक है, यहाँ पर तो आयरन मैन और मैं दोनों ही फंस गए। अरे बाप रे, बचाओ, टोनी के बच्चे सब तेरी वजह से हुआ है। तू ना लावा गॉड को यहाँ पर लाया होता और ये सब हुआ होता। गाइस क्या करें। ओ भाई साहब, हट गया, खुल गया रास्ता। टोनी के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब आप फ्रैंकलिन भाई, माफ कर दे मेरे को, तुझे देख लूंगा मैं। ये लेने, यहाँ से निकल, यहाँ से। गुस्सा तो इतना आ रहा है भाई इसको और पीटो, पर क्या करेंगे गाइस, हमें फिलहाल यहाँ से निकलना पड़ेगा। चलो गाइस जल्दी चलते हैं, जल्दी चलते हैं। चलो 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 चलो, एक बार यहाँ पर गाइस अपना सीक्रेट डोर खुल जाए। आई होप कि हमने यहाँ पर 20 मिनट नहीं, आधा घंटा एक घंटे सर्वाइव कर लिया हो, क्योंकि गाइस देखिए वैसे तो 20 मिनट लिख रहा था उसमें, पर मैंने बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर लिया। कितने टाइम तो मैं बंद रहा था, लड़ाई वड़ाई चल गई, क्या से क्या हो गया है ना दोस्तों। बट कोई नहीं, अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अब जल्दी निकलते हैं भाई। वैसे भी शाम होने वाली है, कितना टाइम हो गया भाई मुझे टास्क करते करते। बट एक बार यहाँ पर वो सीक्रेट डोर खुल जाए तो अपनी सारी मेहनत तो वसूल हो ही जाएगी। और राइट गाइस, फाइनली मैं रोड पर आ चुका हूँ और अब मैं आपसे सीधा अपने घर जाके मिलता हूँ। उसके बाद ही हम यहाँ पर उस सीक्रेट डोर को खोलेंगे और साथ साथ में भाई पिनचैन के बारे में पता करेंगे। ओके दोस्तों, मैं मेरे घर आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सिंचन ना हो बस, क्योंकि यार सिंचन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं उस सीक्रेट डोर को एक्सेस करूँ। इसलिए दोस्तों मैं नहीं चाहता किसी भी तरह की कोई मुसीबत आए। ऑल राइट, कम ऑन, खुल जाओ। अरे खुल गया, खुल गया भाई। गाइस अपना यहाँ पर जो मेहनत थी वो कंप्लीट हुई यार, साकार हुई। अच्छा लोग इसके अंदर चलते हैं, मुझे सबसे पहले जाके भाई पिंचन ढूंढा है। 1, 2 और 3। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ अजीबोगरीब सी टनल में आ चुका हूँ हम कह सकते हैं। और बाकी दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, इस टनल में काम चल रहा है कुछ तो खतरनाक। और गाइस यहाँ पे रेल की पटरियाँ भी जा रही हैं, एक नहीं वो भी दो दो। लेकिन पिंचन कहाँ है? पिंचन, अरे बाप रे, वो कौन है? अरे तू आया है यहाँ पर, तू मरेगा। अरे तू कमला की आवाज़ है, कमला, अरे तू इधर क्या कर रही है? फ्रैंकलिन, पिंचन नहीं बचेगा, तू भी नहीं बचेगा। अरे बाप रे, नहीं गाइस ये सच नहीं हो सकता, ये असली नहीं हो सकती भाई। कमला तो जो जंगलों में रहती है, यहाँ क्या कर रही है? रुक जा। अरे तो पीछे आ रही है, बचाओ मेरे को, भाग फ्रैंकलिन भाग। ओ नो, शायद पिंचन इसी से डर के भाग रहा था। अरे भागो भागो पूरी स्पीड में। रुक, मैं पूरी स्पीड में आती हूँ और तेरी बैंड बजाती हूँ। अरे कमला मुझे छोड़ दे भाई, मैं तो मेरे भाई को ढूंढने आया हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है। अब यहाँ से जो भी टनल में आता है वो बचकर नहीं जा पाता। अच्छा तो सिंचन कैसे बच गया था? उसका तो गलती से छोड़ दिया था मैंने, पर अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे गाइस, अरे कमला छोड़ दे मेरे को भाई, ये कमला कहाँ से आ गई? इसने तो अच्छी खासी बैंड बजा दी मेरी, बचाओ मेरे को। मजा ही आ रहा है पीटने में इसको। एक मिनट, हेलो, मैं कहाँ पर आ गया? ओ भाई साहब, ये जगह काफी खूबसूरत और काफी ज्यादा। ओ भाई साहब, यहाँ पर थिक एलिमेंटल बॉक्स है। गाइस ये सेम उसी तरह का एलिमेंटल बॉक्स है जो सिंचन के पास था, बट पिंचन का है मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। पिंचन मेरे भाई, कहाँ है तू? अरे दिख जा मेरे को। गाइस इस एलिमेंटल बॉक्स को फोड़ें क्या? शायद सिंचन, शायद इसके अंदर पिंचन ही हो। फोड़ देता हूँ, 1, 2, 3। लेट्स गो भाई, ये क्या मजाक है, यहाँ पर मुझे लिटरल में 3-हेडेड ऑल फादर गॉड टाइटन का सूट मिल चुका है। ये फेंकी भैया, ये क्या, आप इतने बड़े और महान कैसे बन गए? अभी बताता हूँ तेरे को सिंचन के बच्चे। वैसे गाइस एक बुरी न्यूज, अभी तक पिंचन मुझे मिला नहीं है, बट कोई नहीं, पिंचन को भी ढूंढ ही लेंगे। पहले तो तू निकल यहाँ से। नहीं फेंकी भैया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अभी बताता हूँ तुझे। ऑलराइट, ये मारा। नहीं फेंकी भैया, आपको छोड़ूंगा नहीं मैं, आप मुझ पर चेक कर रहे हैं, मैं आपकी बैंड बजा दूंगा। लाल तो मैंने तेरी बैंड बजा दी है। गाइस फाइनली यहाँ पे सिंचन को तो उसके किए की हमने सजा दी, बट पिंचन को मैं ढूंढ नहीं पाया। उसके लिए प्लीज कमेंट में जल्दी पार्ट 2 लिख दो। स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।